तो गॉइस अब तक आप लोगों ने देखा है कि अपना सिंचन स्कूल जाने को तैयार हो जाता है, पर उसे तो पता ही नहीं था वो स्कूल कितना ज्यादा खतरनाक है। काफी रात हो जाती है और सिंचन लौट करके वापस नहीं आता है और उसको खोजते खोजते अपना फ्रैंकलिन पहुंच जाता है उसके स्कूल। तभी माइकल का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं बल्कि एक भूतिया स्कूल है। बहुत देर खोजने के बाद फाइनली अपने फ्रैंकलिन को सिंचन तो मिल जाता है, पर सिंचन को बचाने के चक्कर में अपना फ्रैंकलिन भी वहां पर फंस जाता है। और गाइस अब ये चुड़ैल इन पांचों को एक साथ मारने वाली थी। तो भाइयों तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है आगे? क्या फ्रैंकलिन, सिंचन, चॉप और सारे बच्चे एक साथ मारे जाएंगे या यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है? भाइयों अगर तुम्हें जानना है तो ये वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। चलो भाइयों देखते हैं आगे क्या होता है। बस एक घंटा है, एक घंटे के अंदर तुम सब मरने वाले हो। फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा? सिंचन अब तो मेरे को भी नहीं पता, लगता है यार हम सब के सब मरने वाले हैं। अरे सिंचन, फ्रैंकलिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम लोगों को। माइकल निकल, आप यहाँ पर कैसे? आप तो बाहर चले गए थे। अरे नहीं यार सिंचन, जैसे ही मुझे पता लगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं वहाँ से फटाफट से आ गया। यार फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है, एक काम कर तू यहाँ पर खड़ा हो जा, मैं तेरे लिए एक यहाँ पर सीढ़ी लेकर के आता हूँ और सीढ़ी से होते हुए यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाना तू। अरे थैंक्स यार माइकल यहाँ पर आने के लिए, मुझे तो लगा था यार मैं मरने वाला हूँ। यार हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से एक घंटे बचे होंगे और वो चुड़ैल यहाँ पर वापस आ जाएगी। जो करना है तुझे जल्दी करना पड़ेगा। बस मेरा थोड़ा देर इंतजार करना, मैं भी गया और फटाफट से आया तुझे बचाने के लिए, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों के पास एक ही मौका मिलेगा, फटाफट से माइकल के साथ होकर के अपन लोगों को इधर से भागना पड़ेगा जितनी दूर हो सके। फ्रैंकलिन, सिंचन और बच्चों सबके सब इस सीढ़ी को पकड़ करके जल्दी से ऊपर आ जाओ। अरे यार माइकल पर इसको कैसे पकड़ करके आऊं, ये सीढ़ी काफी ज्यादा ऊपर है। अरे बेवकूफ यहाँ पर एक रस्सी है, रस्सी का यूज कर, इसको पकड़ पकड़ करके जल्दी से ऊपर चढ़ जा। सिंचन और बच्चों जल्दी से मेरे पीछे आओ, हम लोगों को इधर से फटाफट से भागना पड़ेगा, हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। माइकल मेरे को जल्दी से भाई ऊपर खींच, मेरे भाई खींच। चलो यार मैं तो ऊपर आ गया, अब तुम सब भी जल्दी जल्दी से ऊपर आ जाओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में भागे तो वो चुड़ैल आराम से पकड़ लेगी। फटाफट से हम लोगों की तरह से भागना पड़ेगा, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागो। फ्रैंकलिन भैया माइकल अंकल सही बोल रहे हैं, अगर एक घंटा बीत गया तो वो हम लोगों को पकड़ करके भी कोई काम नहीं होगा उसका। चलो इधर से फटाफट से भागते हम लोग। सिंचन मेरे भाई सबसे सेफेस्ट प्लेस तो एक ही जगह है, अपना घर। चल हम लोग दोनों अपने घर की तरफ चलते हैं। अच्छा वो यार सही समय पर माइकल आ गया, अगर माइकल नहीं आता तो पता नहीं हम लोगों के साथ में क्या होता। चलो कोई नहीं यार, तो यहाँ से कार चुरानी पड़ेगी, इसकी कार चुरा लेता। ओए चल जल्दी से कार से निकल जा, मेरी जान की पड़ी हुई है और तुझे कार पे बैठनी है। आजा सिंचन फटाफट से जल्दी से कार में बैठ। रुक जा फ्रैंकलिन भैया मैं आता हूँ। फ्रैंकलिन भैया वो चुड़ैल कहीं हम लोगों के पीछे करते करते हमारे घर तक आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? अरे सिंचन डराओ क्यों रहा है, चुपचाप मुंह बंद रख, हम लोगों को फटाफट से अपने घर में जाकर के चुपचाप सो जाना है। तुझे पता है ना वो चुड़ैल कितनी ज्यादा खतरनाक है, मैं उसका शक्ल अब दोबारा नहीं देखना चाहता। अरे तुम मुझे कौन सा उसके साथ घूमने जाने का शौक है, चलो चलो जल्दी से घर चलते हैं, पता नहीं अपना जॉब कैसा होगा। चल सिंचन हम लोग आ चुके हैं, अब फटाफट से घर के अंदर चलते हैं। यार ये रात कितनी ज्यादा डरावनी लग रही है, मुझे तो बाहर रुकने का मन ही नहीं कर रहा। सिंचन क्या कर रहा है यार, फटाफट से घर के अंदर चलते हैं। चल चल जल्दी से आ जा। ओए चॉप मेरे भाई किधर है तू, चॉप कुछ तो बोल भाई, पता है आज कितना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया इसको बचाने के चक्कर में। किधर है ओए चॉप, कहाँ है तू? अरे कलवे मैं यहीं पर हूँ यार, इतना भाग क्यों रहा, बता क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे चॉप तुझे पता है सिंचन को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था और वो इसे मारने वाली भी थी। अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। चॉप मेरे भाई, अरे यार तुझे मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया। अबे किधर भाग रहा है, तेरे लिए हड्डी नहीं लाया मैंने। ए सिंचन इस चॉप को छोड़ यार, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, चल जल्दी से फटाफट से सोने जाते। एक काम कर तू चॉप को आने दे, चॉप को आने के बाद उसको उसके घर पे ढुका देना, नहीं तो वो पूरे के पूरे घर पे पॉटी कर देगा, और तब तक मैं जाता हूँ सोने के लिए, और जल्दी आ जाना प्लीज। भाई साहब आज तो हालत ही खराब हो गई, इतना खतरनाक चुड़ैल मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा था, पता नहीं यार इन सारे चुड़ैल को अपने पीछे ही क्या होता है। चलो कोई नहीं, पहले थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ। फ्रैंकलिन भैया बचाओ बचाओ बचाओ, फ्रैंकलिन भैया बचाओ।
अरे यार ये तो सिंचन की आवाज है। सिंचन की आवाज इतनी खतरनाक क्यों हो गई? लगता है यार सिंचन किसी प्रॉब्लम में, मुझे जल्दी से जाकर के देखना पड़ेगा। पता नहीं यार फिर से कोई प्रॉब्लम में ना फंस गया हो ये। सिंचन मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, किधर है तू? अबे यार कहाँ चला गया सिंचन? मैंने उसको बोला था यहीं पर आकर के सो जाना, पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ चॉप से पूछता हूँ। चॉप चॉप कहाँ पर यार सिंचन कहाँ चला गया? अरे यार फ्रैंकलिन सॉरी मैं सिंचन को नहीं बचा पाया, वो चुड़ैल सिंचन को लेकर चली गई और वो बोल रही थी कि तू उसका लोकेशन पता करके उसके पास जल्दी पहुँच, नहीं तो वो सिंचन को मार डालेगी। अरे यार ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम फिर से क्यों आ गई यार? इस चुड़ैल को शांति नहीं मिल रही क्या? अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ मैं सिंचन का लोकेशन ट्रैक करता हूँ, उसके लोकेशन ट्रैक करने से तो मुझे पता लग जाएगा सिंचन कहाँ पर है। हाँ यार अब तो मुझे पता है कि सिंचन कहाँ पर है, अब जल्दी से जाता हूँ। पता नहीं यार अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो सिंचन के साथ में क्या होगा? चौप मेरे भाई जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तू यहीं पर रुकेगा, और सुन अगर ट्रेवर आ जाता है तो उसको बोलना मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आने के लिए। चलो गाइस अपने को फटाफट से जाना पड़ेगा सिंचन के पास में। पता नहीं यार वहाँ पर ऐसा क्या हो चुका है कि यार मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। लगता है यार वो चुड़ैल मेरे से कुछ चाहती है, नहीं तो यार वो सिंचन को अगर मारना होता तो कब का मार दी होती, बट वो मुझे बुलाना चाह रही है। कोई ना कोई तो मैटर है गाइस, अपने को वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा, पर उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाइयों मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ और सिंचन की लोकेशन यहीं आसपास दिखा रही है, अपने को उसके पास जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब वो देखो सिंचन वहीं पर है। ओ इतनी ये क्या माइकल भी यहाँ पर है? गाइस आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? ये चुड़ैल माइकल को क्यों उठा कर लेकर के गए? माइकल तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यार इस चुड़ैल ने मुझे भी उठा लिया, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी मरने वाला हूँ। सॉरी यार माइकल मेरे कारण यार तू भी फंस गया, पर आखिर ये चुड़ैल कहाँ चली गई? मैं यहाँ हूँ बेवकूफ, तुम लोगों को लगता था तुम हमारे हाथों से इतनी आसानी से बच जाओगे, मैंने तुमसे बड़े बड़े खेल खेले हैं, अब मैं तेरे सामने इन सारे बच्चों को मार दूंगी। ध्यान से देख, मैं तेरे सामने सारे बच्चों के चारों तरफ डायनामाइट लगा चुकी हूँ, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं इन सबको उड़ा दूँ। फ्रैंकलिन भी बचा लो, हम लोगों को बचा लो। ओए चुड़ैल की बच्ची तेरा जो भी काम है मैं कर दूंगा, पर इन लोगों को कुछ मत कर। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से दूर एक टैपू में एक मम्मी है, तुम्हें उसे लेकर के आना होगा। गाइस ये चुड़ैल काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसने अपने फ्रैंकलिन को कब्जे में कर लिया था, क्योंकि अगर फ्रैंकलिन उसका काम नहीं करता तो वो किसी भी समय सिंचन और सारे लोगों को मार देगी। तो भाइयों तुम्हें क्या लगता है आखिर ये क्यों मम्मी को यहाँ पर लेकर के आ रही है, और ये मम्मी आखिर किसकी मम्मी है? गाइस अगर तुम्हें जानना है कि आगे क्या हुआ तो इसका अगला पार्ट जरूर देखना, पर आज के लिए इतना ही। होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। आप लोगों से मिलते हम लोग कल एक और धमाकेदार वीडियो में।